النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. आज फिर हल्की हल्की बारिश हो रही है और मैं फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो पार्क के लिए निकल चुका हूँ। अभी एक छोटा सा बच्चा वो आगे जॉगिंग करता हुआ जा रहा था, तो खैर मैं तो अभी स्लो वॉक करता हुआ जा रहा हूँ। ये देख सकते हैं सड़कें जो है वो आज सुनसान है। कोई आता जाता नहीं, देखो पीछे इक्का दुक्का लोग जो हैं वो आते हुए नज़र आ रहे हैं। पार्क में जाकर देखता हूँ क्या सूरत हाल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम आप सब तमाम दोस्तों को। जहाँ तक आप लोग ये मेरी वीडियो देख रहे हैं आप सबको मेरा आदाब। अल्लाह ताला आपको खुश रखे और ढेरों खुशियाँ अदा करे। और इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। बारिश आज फिर हल्की हल्की और हमेशा की तरह पार्क की तरफ जा रहा हूँ वॉक करते हुए। खजूरें मेरे पास थी तीन, तो वो मैंने खा ली हैं। अब हल्की हल्की वॉक करता हुआ ज़रा पानी से बचता हुआ पार्क की तरफ जा रहा हूँ। पार्क की सरहद में हम दाखिल होने ही वाले हैं इधर से, और मुझे वो लगता है तारिक साहब खड़े हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या हाल है? माशाल्लाह सर, कैसी तबीयत है आपकी? इधर अकेले किसका इंतज़ार कर रहे हैं? अगर वेट करना है तो इधर खड़े होकर कर लेते हैं दोस्तों का। नहीं वो वहीं आएंगे क्योंकि बारिश अच्छा। तो बंद है अब हल्की हल्की हो रही है, अब देख रहे हैं चलना है तो चलें। चले उसी ट्रैक से चल दे अच्छे से। हाँ चले नहीं है तो सूखा ही। हाँ जी, तो कल फिर आपने दरख्त के नीचे योगा की? हाँ हमने एक घंटा यहाँ खड़े होके कराई, ठीक हो गया। हाँ यहाँ से लेके ना वो एंड तक यहाँ सड़क खत्म हो जाती है। सही बात। कल मैंने तकरीबन जीटी रोड के पास पास चला गया था। मैं कल तकरीबन आपके जाने के बाद 8 बजे के बाद वॉक करने के लिए आया और ज़्यादा लोग नहीं थे इधर, तो फिर मैंने अकेले नहीं वॉक की, 3-4 चक्कर लगाए फिर मैं चला गया। ख्याल होगा कि तारिक साहब नहीं आएंगे तो मैं जो है वो चक्कर लगा लेता हूँ। तो जैसे ही आपको देखा ये अंजम भाई इधर से ना मुड़ के वापस चले। हाँ जी ये तो फिर लक की बात हुई ना। पवेलियन तो ग्राउंड से बाहर चले गए, तो ग्राउंड के अंदर आ गए दोबारा। अंजम भाई भाग रहे थे देख लिया फिर। अल्हम्दुलिल्लाह। आज शेख साहब तुसी कल नहीं आए? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। अय्युहन नफ्सुल मुत्मइन्ना इर्जी इला रब्बिक राज़ियतन मर्ज़िया वादखुली फी इबादी वादखुली जन्नती। सदक अल्लाह अज़ीम। चले दोनों सहेलियों को अंदर पीछे लेके जाएं और फिर 1 2 3 1 2 3 1 2। राइट अपनी जगह पर रहे और लेफ्ट मुद्रा बना, राइट हवा में लेफ्ट नी पर वापस प्रपोज, हवा में दाएं बाएं मुद्रा बनाए वापस प्रपोज और अल्हम्दुलिल्लाह।
मेरे भी जूते बाहर और अपने उंगलियां अपने नीज की तरफ ही कर लिया और वापस बारिश बारिश जी 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 बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश जो है वो शुरू हो चुकी है और हमने अपनी चटाइयाँ उठा ली हैं। डॉक्टर साहब आगे आगे जा रहे हैं बरगद के दरख्त के नीचे। ये देखिए बारिश की कितनी प्यारी प्यारी आवाज़ पत्तों पे आ रही है, टिप 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 टिप। बारिश तेज हो गई है, जो वुजू करते हैं आप लोग वुजू करके उसको आप टावर से खुशक नहीं करते। अल्लाह सुना कहता है, अल्लाह का नबी कहता है कि वो पानी जिसमें खुशक कर लेता है वो भी आपके अमाल के साथ चले जाएगा। नमाज के बाद की बात है ना कि कबूल होगी कि नहीं होगी, पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, कि अच्छी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन वुजू का ही कहा गया कि आपके माल में चलेगा। बाबा मैं उसकी माँ होगा, मैं पैकिंग चैकिंग कर ली, कहते पैकिंग हुई है, मैं फिर कल रात को निकल जाती फैसले घर पर लूँगी, ये तो चल गए, चल मेरे बाबा कल चल गए, अच्छा चल याद रख रहे कल चल गए, याद है ये तो मैं जल्दी मांग योगा खत्म हुई, बारिश भी रुक गई है। देखो बारिश तुम ही ले जाने हर चीज अल्लाह का हुक्म है सर। हां जी मैंने उसको चाय बना के तो मुझे कहती क्लब के मेंबर्स उस तरफ जा रहे हैं, मैं उस रूम में मैट रखने के लिए। ये है वो कमरा जहाँ पे हमारे मैट्स पड़े थे योगा के, और ये ताला अब इसको लगा दूंगा मैं। वो जा रहे हैं तमाम दोस्त, चले वो वहां से आएंगे इधर, मैं यहाँ से ऊपर चला जाता हूँ। अपनी कदर से आप ये देखें, ये उबला हुआ चिकंदर है जिसके अंदर से अभी भाप जो है वो निकल रही है। आपको इसके अंदर से भाप निकलती हुई महसूस हो रही है क्योंकि अभी अभी मैंने इसको काटा है। ये मेरा नाश्ता और साथ में ये कटे हुए सेब है और यही मेरा जो है वो नाश्ता है। अभी भी हल्की हल्की इसके अंदर से जो है वो भाप निकल रही है। ये बड़े साइज का जो था वो ये चिकंदर था जिसको मैंने बॉयल कर लिया था। ये सुबह फजर की नमाज पढ़ने के बाद मैंने इसको उबलने के लिए रख दिया था और ये आधा सेब है कटा हुआ। तो ये मेरा जो है वो नाश्ता है। फजर की नमाज पढ़कर आने के बाद मैंने दो अदद उबले हुए अंडे खाए थे और साथ में जब मैं पार्क जा रहा था तीन अदद खजूरें ली थी और साथ में जो है वो नीम गर्म लीमू पानी पिया था। तो वो पार्क जाने से पहले मैंने थोड़ा सा जो कुछ खाया था और अब ये नाश्ता जो है मैं ये खाने लगा हूँ। चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं। वैसे जो बॉइल्ड चिकंदर है ना इसका भी अपना ही मज़ा है। सेब इसका छिलका मैंने उतार लिया था। बारिश जो है फिर से हल्की हल्की शुरू हो चुकी है।
मोबाइल का नेट पैकेज जो है वो ख़त्म हो गया, उसको लगवाने के लिए मैं जा रहा हूँ। एक माह का था वो ख़त्म हो चुका है, अभी देखता हूँ कोई शॉप खुली है मोबाइल लोड वाली। रास्ते में कीचड़ है, बच के जाना पड़ता है। जीरो 347 लोड वाला इलेक्ट्रिशियन भी है, है? और ये लोड भी करता है, ये इलेक्ट्रिशियन भी है, ये देखिए क्या हमारा दोनों काम एक साथ। लोड मैंने करवा लिया है और नेट का पैकेज है जो वो ऑन हो गया है। अब घर आ चुका हूँ, बारिश क्या वो हल्की हल्की हुई जा रही है। लो जी, बारिश जो है वो तेज़ हो गई है काफ़ी। जब मैं लोड करवाने गया था तब इतनी तेज़ बारिश नहीं थी, अब देखें कैसे छमाछम जो है वो पानी बरस रहा है। बारिश जो है वो बारिश बहुत तेज़ हो रही है। हालांकि सुबह जब हम योगा कर रहे थे तो हल्की हल्की रिमझिम थी, फिर एकदम जो थी तेज़ हो गई थी। प्रेडिक्शन थी काफ़ी दिनों से तो ये मौसम जो है वो बदलेगा, बारिश है वो होगी आने वाले दिनों में। तो देखिए अल्लाह का फजल हो गया, अल्लाह का शुक्र है कि बारिश जो है वो हो रही है।